हेलो स्टूडेंट्स, एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि इन द प्रेजेंट सिनारियो प्राइवेट जॉब लग पाना कितना डिफिकल्ट है और स्पेशली विद गुड सैलरी के साथ लग पाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए या हमारा सिलेक्शन किसी PSU में हो जाए या हम किसी टॉप के IIT से MTech कर लें, ओके, जिससे हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, हमारा कैरियर बन जाए, ओके। इन सब के लिए आपको पता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप गेट के एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक अचीव करें, ठीक है ना, आप गेट का एग्जाम सक्सेसफुली क्रैक कर जाएं। इन सब चीजों को, गेट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ही मैं आपके लिए सक्सेस मंत्रास लाया हूं फॉर गेट 2019, ओके। नाउ सक्सेस मंत्रास डिस्कस करने से पहले मैं आपको गेट का बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो यहां पर गेट का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि गेट में आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ओके। टोटल आपका होता है 100 मार्क्स और ये जो आपका 100 मार्क्स होता है ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओके। इसमें से जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, वो होता है आपका एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, ओके। ये आपका होता है टोटल 15 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो होता है आपका वो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सेक्शन भी आपका होता है 15 मार्क्स का। और लास्ट सेक्शन जो होता है वो होता है आपका टेक्निकल, ये होता है आपका टोटल 70 मार्क्स का, ओके। तो यहां पर आपके 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है आपका एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है आपसे, सिंपल क्वांटिट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ओके। और इंग्लिश में क्या होता है, सिंपल आपकी इंग्लिश होती है, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, एक आध क्वेश्चन आपका वर्ड मीनिंग का होता है, एक आध आपका पैसेज होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड और इंग्लिश में, ठीक है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप अपने आप से भी इसकी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं सिंपल सिंपल बुक्स को फॉलो करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर। नेक्स्ट होता है आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी आपको 15 मार्क्स का पूछा जाता है। जो मैथ्स है आपका वो वही मैथ्स है जो आप लोग अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में स्टडी करते हैं। कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, कुछ कॉलेजेस में ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों में होता है, ओके। तो वही मैथ्स होता है, एक्चुअल में वहां पर आप ज्यादा स्टडी करते हैं, यहां पर इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो बल्कि यहां पर आपको ब्रीफ में स्टडी करनी है, पर जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या जितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है उनकी आपको कंप्लीट स्टडी करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है आपका टेक्निकल, टेक्निकल मींस जैसे कि आप सिविल ब्रांच के हैं तो आपके जो सिविल के सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं जो गेट के सिलेबस में हैं, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट, मींस आपके कोर टेक्निकल सब्जेक्ट ये होते हैं आपके टेक्निकल पार्ट में, ये टोटल आता है आपका 70 मार्क्स का, ओके। तो यहां पर जो आपके 15 मार्क्स हैं जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश के हैं वो क्वेश्चन वाइज कैसे डिवाइड होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके 2 मार्क्स के, ओके। सेम आपके मैथमेटिक्स में भी 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके 1 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन ही होते हैं आपके 2 मार्क्स के, ओके। एंड अगर मैं बात करूं टेक्निकल की तो टेक्निकल में 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके 1 मार्क्स के एंड 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके 2 मार्क्स के, तो ये आपके टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 100, ओके। सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, गेट में आपके टोटल मार्क्स होते हैं 100 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके 65, ओके। इन 65 क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके MCQ पैटर्न्स में और कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके नेट पैटर्न में, ओके। तो ये आपका MCQ क्या होता है, ओके। MCQ में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, ओके। और 4 ऑप्शन में से एक आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ओनली 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। नाउ नेट में क्या रहता है, नेट का फुल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें ऑप्शंस नहीं होते, नो ऑप्शंस, ओके। बट यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है जिसमें आपको करेक्ट आंसर पुट करना होता है, यहां पर आपकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही हो सकती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में
आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसे आप आंसर के फॉर्म में पुट कर देंगे। पहले आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा आप फिल इन द ब्लैंक्स में उसे पुट कर देंगे। दैट्स इट, ये होता है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2/3 मार्क्स। ओके, एंड अगर मैं बात करूं यहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप की तो यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो एक्चुअल में ये इसका जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि चूंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसलिए अगर आपको डाउट भी हो आंसर में अपने तब भी आप जरूर फिल कर दीजिए क्योंकि आपके मार्क्स जाने नहीं है। अगर आपका डाउट आपके फेवर में चला गया तो आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके अपोज में भी चला गया, आपका आंसर गलत भी हो गया, तो आपके मार्क्स जाएंगे नहीं। ओके, बट यहां पर एमसीक्यू में अगर आपको डाउट है और आपको लग रहा है कि ज्यादा चांसेस गलत होने के हैं, ठीक है, आपका डाउट ज्यादा है तो कभी आप रिस्क मत लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 1/3 और 2/3 मार्क्स ये आपकी ह्यूज नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, गेट में इतने मार्क्स आपके रैंक को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चन के, एमसीक्यू एंड नेट। ओके, अब अगर मैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करूं तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको कहा कि जो 70 मार्क्स हैं आपके वो आपके टेक्निकल के हैं। ओके, और ये जो आपके 70 मार्क्स के जो टेक्निकल होते हैं इसमें आपको समझना होगा कि आउट ऑफ 70 मार्क्स लगभग लगभग 60-62 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके प्योर न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, एंड 8-10 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके थ्योरी होते हैं। ठीक है, तो 60-60 मार्क्स क्या होते हैं आपके न्यूमेरिकल एंड 8-10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके थ्योरिकल होते हैं। यहां पर ये बात भी समझनी जरूरी है हमें कि ये जो 60-62 मार्क्स के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं इसमें से आप मान के चलिए कि 30-40 मार्क्स ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन बहुत लेंथी नहीं होता है। ठीक है ना, इजी होते हैं, इजी या मीडियम लेवल के ही होते हैं ये, इनका कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है ना, बट जो रिमेनिंग आपके 20 या 30 मार्क्स हैं, ठीक है ना, वो आपके टफ हो सकते हैं। डिपेंड करता है IIT to IIT, किसी IIT में हो सकता है कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन टफ हो, किसी IIT में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन टफ हो, बट जनरली आइडिया हमें यही है कि 30-40 मार्क्स इजी और मीडियम लेवल के ही होते हैं। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो वो मार्क्स आप हर हाल में टेक्निकल में अचीव कर ही सकते हैं, और आपने अगर ब्रिलियंट तैयारी की है तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है ना, प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके लिए सक्सेस मंत्रास मैं जनरल स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करने ही वाला हूं, तो आपको उससे आइडिया लग ही जाएगा। ओके, नाउ जो आपके बाकी के 2 पार्ट्स होते हैं, जो आपका 15 मार्क्स का मैथ्स होता है, ओके, एंड नेक्स्ट आपका होता है 15 मार्क्स का क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश। ओके, इनके लिए जैसा मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, इनके लिए आपको मैथ्स के लिए आपको क्या चाहिए, अपना कॉलेज की स्टडी चाहिए, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो मैथ स्टडी किया सिर्फ वही चाहिए। ठीक है, और इस पे जो आपके क्वेश्चन से लेवल भी होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एटलीस्ट आपको 10-12 मार्क्स ऐसे मिल ही जाते हैं कि अगर आपने ठीक से मैथ्स पढ़ लिया है तो आप हर हाल में स्कोर कर लेंगे, ये होता है मैथ्स का। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, यहां पर भी अगर आपका क्वांट वगैरह सही है, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप बहुत इजीली यहां पर 10-12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 30-40 टेक्निकल में और 10-12 आपका मैथमेटिक्स में और 10-12 आपका एप्टीट्यूड में, ये आप हर हाल में स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो। और जैसा मैं कहा, अगर आप ब्रिलियंट तैयारी कर रहे हो तो इससे कहीं ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना, कितना स्कोर हमारे लिए अच्छा होगा, किस ब्रांच के लिए कितना अच्छा होगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लूंगा। ओके, नाउ तो ये है आपका जनरल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब अगर मैं डिस्कस करूं जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है, दैट इज सक्सेस मंत्रास। ओके, तो सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019। ओके, तो यहां पर गेट 2019 को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ सक्सेस मंत्र देने वाला हूं। ठीक है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से तो जरूर आप गेट में अच्छा स्कोर करेंगे। ओके,
नो डाउट हार्ड वर्क तो आप ही का होगा, हार्ड वर्क आप ही को करना है, आप सिर्फ मेरी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं. ओके नाउ, तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूं कि लाइफ के हर काम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है बी पॉजिटिव. ओके, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए. ठीक है, लाइफ में आप कोई भी काम करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव रहेंगे तो हर हाल में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसा कि कई आप मोटिवेशनल वीडियो में सुनते होंगे, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है. आपको पॉजिटिव रहना है बट साथ साथ में आपको हार्ड वर्क करना है. बट अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो हार्ड वर्क करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. अगर आपके मन में ये डर है कि गेट के एग्जाम में 1.5 से 2 लाख लोग बैठते हैं हर ब्रांच में, तो कैसे मेरा रैंक 200 के अंदर आएगा या 100 के अंदर आएगा या 500 के अंदर रैंक आ जाएगा मेरा, इतने सारे बच्चों में मैं ही क्यों आऊंगा 500 के अंदर, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये सब अगर आपके मन में है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. ठीक है ना, अगर आप पॉजिटिव हैं तभी आप सक्सेसफुल होने के लिए रेस में शामिल होंगे. अगर आप नेगेटिव हैं तो आप रेस में शामिल ही नहीं है, चाहे आप जितना हार्डवर्क कर लीजिए. ओके, तो यहां पर यह पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहिए. ओके, आपको हमेशा यही सोचना है कि मुझे अपने मार्क्स लाने हैं 100 में. जैसे सपोज करिए 100 में 60-65 अगर आप क्रॉस कर लेते हैं किसी भी ब्रांच में, एवरेज है, कुछ ब्रांच के लिए 70 भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप 65 मार्क्स क्रॉस करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा रैंक अचीव करते हैं, आपका कैरियर सिक्योर हो जाता है. तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि मैं 100 में 65 मार्क्स अचीव कर लूं. और मैं वो 65 मार्क्स कैसे लाऊंगा, मुझे सिर्फ इस पर ध्यान देना है, ना कि इस बात पर कि गेट में मेरी ब्रांच में 2 लाख स्टूडेंट है कि 5 लाख है कि 10 लाख है. मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि मैं अपने 100 में 65 मार्क्स कैसे अचीव करूंगा, दैट्स इट. तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए कि मैं कर सकता हूं. स्टार्ट से ही आप पॉजिटिव रहिए कि मुझे गेट में अच्छा रैंक लाना ही है और इसके लिए जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े मैं उसके लिए प्रिपेयर हूं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए. ठीक है, ये कभी मत सोचिएगा कि आप कॉलेज में टॉप नहीं करते थे. ठीक है ना, कॉलेज में आप टॉप 10 के अंदर भी नहीं आते थे, यूनिवर्सिटी में आपका रैंक नहीं था, यूनिवर्सिटी में आपके परसेंट 60-70 होते थे या 75 होते थे, बाकियों के 90-95 होते थे. ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है हमें, हमें बस गेट 2019 पे ध्यान देना है और अच्छे से स्टडी करनी है और पॉजिटिव रहना है कि हम हर हाल में गेट 2019 में अच्छा रैंक लेकर ही आएंगे. ओके नाउ, सक्सेस मंत्रा नंबर 2. ओके, सक्सेस मंत्रा नंबर 2 जो है आपके लिए, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं या कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं. तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, कि आप लोग जब भी कोचिंग में स्टडी करते हैं, ओके, आपकी लगभग दिन में 4-5 आवर्स की क्लास होगी. ठीक है, या आप ज्वाइन कर चुके होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो दिन में एवरेज 4-5 आवर्स की आपकी क्लास होती है. ओके, तो जब आप क्लास पे जो स्टडी करते हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि घर जाने के बाद आप उसी दिन 1 आवर या 1.5 आवर में, 1 से 1.5 घंटे में अपने सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें. क्योंकि जब आप उसी दिन उस नोट्स को रिवाइज करते हैं तो वो नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि आपने थोड़े समय पहले ही उसे पढ़ा होता है वाया फैकल्टी, फैकल्टी ने आपको टीच किया होता है 5-6 आवर्स पहले. ठीक है, तो आप उस नोट्स को जब आप रिवाइज करते हैं घर में जाके तो सब ताजा ताजा रहता है और आपको तुरंत ही वो नोट समझ में आ जाते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाते हैं. तो आप सबसे पहले घर जाते ही 1.5 से 2 घंटे में उन नोट्स को रिवाइज करिए और 1 घंटा और दीजिए उस नोट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. अगर आप स्टार्ट से ही ये मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज अगर आप घर जाके 2-3 घंटा देते हैं रोज का, तो आई डोंट थिंक आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, और लास्ट में, वीक के लास्ट में, हमेशा हर कोचिंग में 1 दिन का वीक ऑफ होता है. ठीक है, तो वीक के लास्ट में आप उस सारे नोट्स को जो आपने 6 दिनों में स्टडी किए हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए. उससे क्या होगा कि आपका जो नोट्स है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे. ठीक है ना, एक बार रिविजन करने से हो सकता है कि आप भूल भी जाएं कुछ पॉइंट्स, लेकिन जब आप वापस से 1 वीक के बाद रिविजन करते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं. एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको रटना कुछ नहीं है. नो डाउट फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे,
लेकिन बाकी चीजें आपको रटनी नहीं है, आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ओके? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ओके? कि आपको क्या करना है, अपने नोट्स का रिविजन करना है, ओके? नोट्स रिविजन, ओके? एवरी टाइम, एवरी डे, ओके? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर जो थ्री है आपका, या सक्सेस मंत्रा नंबर जो थ्री है आपका, वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, ओके? सेल्फ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अच्छे नोट्स, ओके? क्योंकि नोट्स आप खुद से बनाना चाहेंगे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपके पास दो साल का टाइम है अभी गेट के लिए, तब तो आप बुक्स को फॉलो कर करके नोट्स बना सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी फोर्थ ईयर पहुंच गए हैं, आपको इसी साल गेट देना है, या आप ड्रॉप आउट हैं, देन बुक को देख देख कर नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत अलग लेवल का होता है, स्पेशली जब आप ड्रॉप आउट हैं तो, ठीक है? तो जो, क्योंकि जो बुक्स होती हैं गेट की, वो आपके गेट के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन नहीं होती है, ठीक है ना? वो ओवरऑल कंसेप्ट होते हैं उस बुक में, ठीक है ना? गेट में जो कंसेप्ट आपको चाहिए वो आपको हो सकता है कि एक बुक से मिले भी ना, वो हो सकता है दो तीन बुक से मिले, और ये भी हो सकता है कि एक बुक में गेट के कंसेप्ट से कहीं बढ़कर चीजें दी हुई हो जिसकी आपको नीड ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है? तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तभी आप नोट्स बनाइए बुक से, ओके? बुक नोट्स, ओके? अदरवाइज बुक से नोट्स बनाना आई डोंट थिंक इज अ गुड आइडिया, ओके? क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है? आप बुक फॉलो जरूर कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, लेकिन आपके पास एक वेल प्लान्ड नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना? आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स होने चाहिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी, ओके? तो यहां पर आपके पास फिर दो से तीन ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन होता है वाया फ्रेंड्स, ओके? जो आपके फ्रेंड्स हैं जो किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे आप नोट्स बोरो कर लीजिए, आप फोटो स्टेट करवा लीजिए, ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है. एक ऑप्शन होता है पोस्टल स्टडी. पोस्टल स्टडी की क्या मीनिंग होती है? पोस्टल मीन्स होता है आपका कि आप किसी कोचिंग सेंटर की बुकलेट बाय कर लीजिए, उसे हम कहते हैं पोस्टल स्टडी, ओके? ये भी एक ऑप्शन है आपके पास. और लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है वीडियो लेक्चर्स, ओके? तो यहां पर मैं इन तीनों ऑप्शन की आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बता देता हूं. वाया फ्रेंड्स जो है वो सबसे चीप ऑप्शन है, ठीक है ना? आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा उसमें, ठीक है? आप फ्रेंड्स से नोट्स ले लीजिए, उनकी जीरोक्स करा लीजिए या पिक ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ठीक है? आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ओके? और जो पोस्टल है उसका क्या एडवांटेज है आपका? पोस्टल में आपको अगेन आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी किसी कोचिंग की, ठीक है? और वीडियो लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर में आपके क्या एडवांटेजेस हैं? वीडियो लेक्चर में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है आपके पास, देखिए, जो इन दोनों एडवांटेज को मिलाकर उनसे भी बड़ा है एक्चुअल में. क्या है एडवांटेज वो? देखिए, आपको एक तो वीडियो के फॉर्म में सारे नोट्स भी मिल जाते हैं, और दूसरा एडवांटेज क्या है कि फैकल्टी की वॉइस भी आपको सुनने को मिलती है, ठीक है ना? फैकल्टी आपको पढ़ा रहे होते हैं वीडियो में, ठीक है? जो फैकल्टी एक्चुअल में कोचिंग सेंटर में टीच करते हैं, वही फैकल्टी आपको वीडियो में भी टीच कर रहे होते हैं. तो एक्चुअल में आपको फैकल्टी की टीचिंग तो मिल जाती है बहुत अच्छे से, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो गया उस टीचिंग में, तो होता क्या है, आप ईमेल के थ्रू जिनसे आपने वीडियो लेक्चर बाय किए हैं उन्हें आप मेल के थ्रू अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं. जैसे अगर मैं डीजी मेंटो का एग्जाम्पल दूं, हमारी वीडियो लेक्चर्स का एग्जाम्पल दूं, तो वहां पर आप फैकल्टी की वॉइस के थ्रू पूरा लेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? पीपीटी के फॉर्म में आपको सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पे मेल करके डाउट भी पूछ सकते हैं, ओके? तो ये एडवांटेजेस होते हैं आपके वीडियो लेक्चर्स के, ओके? और जहां तक सवाल है फ्रेंड्स के थ्रू नोट्स लेने का या पोस्टल स्टडी का, वहां पर आपको ये एडवांटेज नहीं मिल सकते, क्योंकि पोस्टल और फ्रेंड के थ्रू नोट्स दोनों ही आपके नोट्स होंगे. जो सपोज करिए उस नोट्स में अगर एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, तो वो ब्लॉक डायग्राम आपको अब खुद से समझना है, आपको समझाने के लिए फैकल्टी अवेलेबल नहीं होगी, बट वीडियो लेक्चर में वो आप फैकल्टी के थ्रू समझेंगे. तो ये एडवांटेज होता है, ओके? हाँ, वीडियो लेक्चर में भी आपका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है,
जब आप कंपेयर करते हैं उसे कोचिंग सेंटर से, तो कोचिंग सेंटर में फैकल्टी आपके इंस्टेंट अवेलेबल रहते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। वीडियो लेक्चर में आपको मेल करना होगा, उसके बाद आपके डाउट क्लियर होंगे। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, इतना भी नहीं लगता लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं कॉस्ट वाइज और बात करूं फैकल्टी की अवेलेबिलिटी और बात करूं डाउट क्लियरिंग, तो सबका अगर ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, तो सेल्फ प्रिपरेशन वालों के लिए जैसा मैंने कहा आपको कि आप कोशिश करिए कि आप फ्रेंड के थ्रू नोट्स लीजिए या पोस्टर स्टडी, या बेस्ट ऑप्शन है आप वीडियो लेक्चर ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए सेल्फ प्रिपरेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा, तो फिर आप उससे गेट 2019 में एक अच्छा रैंक अचीव कर पाएंगे। ओके, नाउ जो नेक्स्ट सक्सेस मंत्रा है आपका, सक्सेस मंत्रा नंबर 4, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर में जा रहे हों चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हों, वो होता है आपका शॉर्ट नोट्स। ओके, जब भी आपके पास नोट्स बन गए हैं वाया कोचिंग सेंटर या सेल्फ प्रिपरेशन, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि उन नोट्स में से आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। जब भी आप उन नोट्स का रिविजन करते हैं तो जो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है ना, या जिन पॉइंट से काफी क्वेश्चन आए हैं, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ये पता लग ही जाता है, ठीक है, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए। ओके, और कोशिश करिए हर एक सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट है वो आप अलग अलग कॉपी में बनाइए, ठीक है, ताकि जब भी आपको किसी सब्जेक्ट को स्टडी करना हो, सपोज करिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट की कॉपी को कैरी कर सकते हैं, और आप बैठे बैठे जब बोर हो रहे हैं तो आप उस शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए। इससे आपके दो फायदे होंगे, आप बोर भी नहीं होंगे ट्रैवलिंग के दौरान, और सेकेंड हो जाएगा आपका कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी आपका मजबूत होता चला जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स की जो एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जब लास्ट में आप गेट के एग्जाम के एक महीना पहले, जब आपको पता होता है कि आपको रिविजन करना है बहुत अच्छे से एक बार वापस से, ठीक है, पर आपके पास टाइम बहुत कम है रिविजन करने के लिए, तो जो शॉर्ट नोट्स जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं अपने मेन नोट्स से, उन शॉर्ट नोट्स का यूज करके आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं सारे कंसेप्ट को, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे जनवरी के महीने में, गेट के थोड़ा पहले जस्ट आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गेट के पहले थोड़ा पहले बहुत मुश्किल होता है कि आप सारे मेन नोट्स का रिवाइज कर पाएं, बहुत कम टाइम होता है, उस टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, ना कि आप पूरे मेन नोट्स का रिवाइज करते रहें। ओके, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, और एग्जाम के थोड़ा पहले शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करना चाहिए आपको। ओके, नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 5 या सक्सेस मंत्रा नंबर 5, वो होता है आपका टाइम शेड्यूलिंग। आई थिंक बी पॉजिटिव के बाद ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, टाइम शेड्यूलिंग। ठीक है, सपोज करिए मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इस साल जून 2018 से कोचिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चों ने फरवरी मार्च में भी कर ली होगी स्टार्ट, या कुछ बच्चे जुलाई अगस्त से करेंगे, तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूं जून 2018। ओके, अगर मैं जून 2018 को एवरेज लेके चलूं यहां पर, तो आपके पास टोटल रफली 8 मंथ्स होते हैं। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर एक बच्चे के पास अभी 8 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो उन 8 मंथ्स में से एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपके एंड से एक बार फिनिश हो जाना चाहिए। ओके, उससे फायदा क्या होगा कि आप लास्ट में रिविजन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जाके टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट पे डिस्कशन करूंगा। ओके, लेकिन यहां पर आप सोच रहे होंगे जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है स्पेशली, कि 4 to 5 मंथ्स में अगर कोचिंग सेंटर में ही सिलेबस फिनिश नहीं हुआ, तब हम अपने आप से कैसे फिनिश कर पाएंगे। ओके, तो आपको यहां समझना होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि कोचिंग सेंटर में 4 to 5 मंथ्स में आपका गेट का सिलेबस फिनिश नहीं होगा, तो एटलीस्ट आप फिर भी कोशिश करिए कि 80% to 90% आपका सिलेबस सेल्फ प्रिपरेशन से और वाया कोचिंग सेंटर खत्म हो जाना चाहिए आपका। ओके, आपका फिनिश हो जाना चाहिए सिलेबस। ओके, आइडियली 100% है, बट 80% to 90% हर हाल में फिनिश होना चाहिए आपका। ओके, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज की शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से करनी है,
जिसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, और आपको जो लास्ट का जो रिवीजन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वाया शॉर्ट नोट्स, आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, तो टाइम शेड्यूलिंग जो है आपके लिए प्रॉपर टाइमिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिए हमेशा कि हर एक सब्जेक्ट को आप 15 to 20 days में खत्म कर ले। ओके, वैसे तो 15 days सबसे सही समय होता है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको 20 days भी लगेंगे, कुछ के लिए आपको 10 days में भी लगेंगे। ओके, और खत्म करते ही आप टेस्ट दें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको हर एक चीजों का शेड्यूल बनाना होगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। किसी और की बात सुन के आपको नहीं बनाना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है, सबकी गाइडेंस लीजिए आप, ठीक है, बट आप जिसपे कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बनाइए। लेकिन एक रफ आइडिया जो है कि 4 to 5 months में आपका सिलेबस आपके एंड से फिनिश हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सक्सेस मंत्रा है आपके लिए, सक्सेस मंत्रा नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रा है, दैट इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जैसा मैं लास्ट सक्सेस मंत्रा में भी डिस्कस कर रहा था कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टेस्ट सीरीज, ये हम समझ लेते हैं। होता क्या है बेसिकली, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ओके, आप कहां स्टैंड करते हैं, उससे आपके अंदर मोटिवेशन होता है कि आप इंप्रूव करें। ओके, अगर आपके मार्क्स लेस आ रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं मुझे मार्क्स अच्छे करने हैं, उसके लिए आप और मेहनत करते हैं और स्ट्रेटेजिकल स्टडी करते हैं। और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप अच्छा रैंक ला सकते हैं और आप और ज्यादा मोटिवेट होकर स्टडी करने लगते हैं। तो दोनों ही केस में टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। ओके, आप कहां स्टैंड करते हैं ये जानने के लिए। ओके, तो आपको इसे शेड्यूल कैसे करना है, आप हमेशा कोशिश करिए कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें। सबसे पहले स्टार्ट हमेशा करना है हमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से, ठीक है। जैसे ही एक सब्जेक्ट आप खुद से स्टडी करके फिनिश कर लेते हैं या कोचिंग सेंटर में फिनिश हो जाता है, आप हमेशा इमीडिएटली एक टेस्ट दे दीजिए। ओके, डायरेक्ट आप पहले एक टेस्ट दे दीजिए आफ्टर द सब्जेक्ट, जैसे आपका फिनिश हो गया। ओके, नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, 15 days के बाद, ओके, 15 days के बाद आपको एक और टेस्ट दे देना है उसी सब्जेक्ट का जो आपने फिनिश किया था 15 days पहले। तो ऐसे में आपके दो टेस्ट हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। इससे आपको फायदा क्या होगा 15 days बाद देने से, देखिए जब आप इमीडिएटली देते हैं सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद तो आपको सब कुछ याद रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप 15 days के बाद देते हैं, ठीक है, तो आपको टेस्ट देने के पहले एक दो दिन पहले एक प्रेशर रहता है कि मैं उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कल या परसों में टेस्ट देना है। तो उससे फायदा क्या हुआ कि आपने 15 days में टेस्ट देने के कारण आपने 13 या 14 days के बाद उस सब्जेक्ट का दोबारा रिवीजन कर लिया, तो उससे वो जो सब्जेक्ट है आपका वो और स्ट्रांग हो गया, ठीक है ना। तो 15 days के बाद भी टेस्ट दीजिए और इमीडिएटली भी टेस्ट दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्ट वाइज जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद एटलीस्ट 4 to 5 hours उस टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस करिए। ओके, अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन गए हैं तब तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने हैं तो उन क्वेश्चंस को एक बार आप देखिए कि उन क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम थी, क्या कंसेप्ट पूछे गए थे। पूरा स्टडी करने के बाद भी वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बने, उनका आप चार्ट बनाइए, उनको आप लिख के रखिए कि ये इंप्रूवमेंट की मुझे जरूरत है, अभी ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, और उन टॉपिक्स को आप उसी दिन पढ़िए। कोशिश करिए एक दो दिन के अंदर जिन टॉपिक्स पे कमियां हैं आपके अंदर उन टॉपिक्स को आप इंप्रूव कर लें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फुल लेंथ टेस्ट। ओके, तो फुल लेंथ टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि आप कब से स्टार्ट करें फुल लेंथ टेस्ट देना, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट सक्सेस मंत्रा में कहा है कि 4 to 5 months में आपका आइडियली 100% और प्रैक्टिकली 80 to 90% सिलेबस सेल्फ स्टडी से भी फिनिश हो जाना चाहिए। कोचिंग में तो होगा ही होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी से भी फिनिश आपको कर लेना है। आप अपने तरफ से भी उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 4 to 5 months की अगर मैं बात करूं, तो सपोज करिए अगर आप जून से स्टार्ट करते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके, नवंबर में आप कह सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट 4 to 5 months हो जाएंगे। तो मैं लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल, सपोज करिए दिवाली, दिवाली आपके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में है 2018 में, ओके, तो यहां पर आप समझिए
दिवाली में आपके 2 से 3 दिन, 4 दिन आप इंजॉय करेंगे ही करेंगे, ओके? तो आफ्टर दिवाली वेकेशन आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए अब, क्योंकि दिवाली वेकेशन मीन्स मान लीजिए 7 से 8 नवंबर, आप पकड़ लीजिए 10 नवंबर, 10 नवंबर से आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ओके? और नवंबर एंड दिसंबर में आप 1 वीक में 1 टेस्ट ही दीजिए, ओके? 1 फुल लेंथ टेस्ट पर वीक, ओके? 1 टेस्ट पर वीक, ये आप फॉलो कर लीजिए नवंबर एंड दिसंबर में, ओके? जैसे ही आप जनवरी में एंटर करेंगे, जनवरी में आप कोशिश करिए कि आप हर 3 to 4 डेज में, ओके, 3 to 4 डेज में आप 1-1 टेस्ट दीजिए, ओके? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे नवंबर दिसंबर में 1 वीक में 1 टेस्ट, तो जब आप जिस दिन आप टेस्ट देंगे फुल लेंथ, तो फुल लेंथ टेस्ट में 65 क्वेश्चन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सारे आपसे नहीं बनेंगे, हो सकता है स्टार्ट में कुछ कम क्वेश्चन भी बने आपसे। जितने भी क्वेश्चन आपसे बने आप उनका प्रॉपर उसी दिन एनालिसिस करिए, ओके? आप मॉर्निंग में टेस्ट दीजिए, सपोज करिए आप 9 to 12 टेस्ट दे रहे हैं, आफ्टर 12 आप पूरे टेस्ट का एनालिसिस करिए दिन भर, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको आप वापस से करने की कोशिश करिए, अगर फिर भी ना बने तो उनके आप कंसेप्ट देखिए, अगर कोई नया कंसेप्ट जनरेट होता है, आपको लगता है कि ये कंसेप्ट मैंने पहले नहीं पढ़ा था, तो उसे आप शॉर्ट नोट्स में नोट करिए फिर से, ओके? तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। उसके बाद जो कंसेप्ट आपको आते थे या जिन कंसेप्ट के बारे में आप जानते थे फिर भी आप ना बना पाए, तो उन कंसेप्ट को भी आप अलग से लिख के रखिए, ठीक है? इंप्रूवमेंट वाली कॉपी में, एक इंप्रूवमेंट की कॉपी आप अलग से बनाइए, उन पे भी आप लिख के रखिए पॉइंट्स कि कहां कहां मेरे अंदर कमियां रह गई हैं, और उन कमियों को आप दूर करिए, ओके? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? टेस्ट सीरीज के टाइम पे, फुल लेंथ टेस्ट के टाइम पे, ओके? और आपको फिर क्या करना है, पूरा वीक में, क्योंकि आप नेक्स्ट वीक आप टेस्ट देने वाले हैं अगला, तो पूरे वीक जो आपको 6 डेज मिलेंगे, उस 6 डेज में आप उनको पूरी तरीके से दूर कर लीजिए, उन कमियों को पूरी तरीके से आप रिमूव कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फुल लेंथ टेस्ट के टाइम पे, ओके? और जो आपने न्यू कंसेप्ट सीखे हैं फुल लेंथ टेस्ट के टाइम पे, उन न्यू कंसेप्ट को भी आप फिर से रिवाइज कर लीजिए इस 6 डेज के टाइम पे, और उन पे अगर आपको कोई नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस 6 डेज के टाइम पे बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? 1 वीक का टाइम हम क्यों ले रहे हैं 2 टेस्ट के बीच में, ताकि आप इंप्रूवमेंट कर सकें। क्लियर है पॉइंट? नाउ जब आप जनवरी में एंटर करेंगे, ठीक है, तब तक आप एटलीस्ट 6 to 7 टेस्ट आप दे चुके होंगे, ओके? तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा, आप बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर चुके होंगे अपने अंदर, तो फिर आप स्पीड थोड़ी बढ़ाइए जनवरी में, आप 3 to 4 डेज पे हर एक टेस्ट दीजिए, ठीक है? आप चूंकि पहले पूरा पूरा रिविजन कर चुके हैं बहुत बार ड्यूरिंग द नवंबर एंड दिसंबर टेस्ट सीरीज, ओके? तो अब आप क्या करिए, जनवरी में 3 to 4 डेज पे जब आप टेस्ट देंगे, तो जो आपको बीच में गैप मिलेगा 2 टेस्ट के बीच में, वो आपका 3 डेज का ही होगा मैक्सिमम, पर उस 3 डेज पे आप रिविजन कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले किया हुआ है नवंबर दिसंबर में 6 डेज पे, तो आपके लिए अब की बार फास्ट हो जाएगा रिविजन, ठीक है? यहां पर भी आपको सेम मेथड फॉलो करना है जो आप नवंबर दिसंबर की टेस्ट सीरीज में फॉलो कर रहे थे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनवरी में स्टार्टिंग में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ओके? तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जाम किस स्लॉट में है, ओके? मॉर्निंग के स्लॉट में है कि आफ्टरनून के स्लॉट में है, ठीक है? अब आपका एग्जाम जिस स्लॉट में है और जिस दिन पर है, उस दिन सपोज करिए आपका एग्जाम संडे को है 2 to 5, तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि पूरा जनवरी आप संडे को तो जरूर टेस्ट दीजिए 2 to 5, ठीक है? और जब आप 2 to 5 संडे को टेस्ट दे रहे हो, तो आप इसी तरीके से टेस्ट दीजिए जैसे आप गेट का फाइनल एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है? आपको बीच में बिल्कुल नहीं उठना, आपके रूम में और कोई भी नहीं होना चाहिए, आप 2 to 5 मतलब आपके लिए सिर्फ गेट का एग्जाम चल रहा है, ना तो आपको पानी पीने के लिए उठना है, ना आपको कुछ करना है, बिल्कुल सिर्फ एग्जाम पे आपको फोकस रखना है, ठीक है? ये आपका टारगेट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हैं गेट का, तो आपको कुछ नया नहीं लगता, आपको लगता है कि आप पहले ये बात कर चुके हैं, कई बार पहले आप ये काम कई बार कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहां पर। एग्जाम का फियर जो है वो आप काफी हद तक रिमूव कर लेते हैं। एक्चुअली एग्जाम का फियर भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, सक्सेसफुल होने से जो रोकता है हमें, ओके? तो ये पॉइंट आप जरूर करिएगा जनवरी के मंथ में, ओके? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जब आप टेस्ट सीरीज दें जनवरी में, तो कोशिश करिए कि 26 जनवरी के बाद
या मैक्सिमम आप बोल दीजिए 31 जनवरी के बाद, आप फिर कोई टेस्ट ना दीजिए अगर आपका एग्जाम जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में है तो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गेट के एग्जाम के एक वीक पहले आप टेस्ट देना बंद कर दीजिए, ओके। क्योंकि अगर गेट के एग्जाम के एक दो दिन पहले आपने टेस्ट दिया और उस टेस्ट में अगर आपके गलती से कम मार्क्स आ गए तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, ओके। तो आप जितनी भी आपको इंप्रूवमेंट करनी है, जो भी आपको टाइम शेड्यूलिंग करनी है, वो गेट के एग्जाम के 1 वीक या 10 डेज पहले तक की रखिए, ओके। उसके बाद आप टेस्ट बिल्कुल ना दीजिए। आप शॉर्ट नोट्स का रिविजन कर सकते हैं, वो भी आप गेट के एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले छोड़ दें, बिल्कुल भी कुछ मत करिए गेट के एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले तक, ओके। नाउ टेस्ट को तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, 1 वीक पहले ही आप टेस्ट को फिनिश कर लीजिएगा, सारी टेस्ट सीरीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। और जितनी इंप्रूवमेंट करनी है वाया टेस्ट वो आप कर लीजिएगा, ओके। अपने माइंड में ऐसा कुछ भी हमें नहीं रखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देनी है हमें अपने माइंड में, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में कहा था, बी पॉजिटिव, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट टेस्ट जो आपका होगा, लास्ट फुल लेंथ टेस्ट, ओके, 1 वीक बिफोर गेट, ओके, 1 वीक बिफोर गेट एग्जाम, ठीक है। 1 वीक के अंदर में, जैसे कि गेट के एग्जाम के अगर 2-3 दिन पहले बचे हैं तो आपको कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है उस टाइम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट सक्सेस मंत्रा जो है आपका, सक्सेस मंत्रा नंबर 7, वो है आपका गेट कैलकुलेटर, ओके, गेट कैलकुलेटर। अब मैं कैलकुलेटर की बात क्यों कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कैलकुलेटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां पर आप समझिएगा, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम गेट दे रहे हैं, जिनको गेट कैलकुलेटर के बारे में ज्यादा नहीं पता है, आप समझिएगा जो गेट का कैलकुलेटर होता है वो आपका ऑनलाइन वहीं पर कंप्यूटर स्क्रीन में आपका अवेलेबल होता है, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो आपको वो प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, ठीक है, उसका सेम पैटर्न आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा। तो आप देख सकते हैं उस पैटर्न को, जो गेट कैलकुलेटर का जो पैटर्न होता है वो देखिएगा, जो आपका नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ओके। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं आपके वो अवेलेबल नहीं है आपके गेट कैलकुलेटर में, ठीक है ना। लाइक आप 2 वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, मैट्रिक्स का फंक्शन अवेलेबल नहीं होता, डिफरेंशिएशन का फंक्शन अवेलेबल नहीं होता, बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं जो गेट कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है, वो बहुत ईजी होता है। वो ईजी इसलिए होता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती है बीटेक के 4 ईयर्स में उसको यूज करने की। लेकिन गेट कैलकुलेटर जब आप फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है यूज करने में, इतनी ज्यादा स्पीड नहीं बन पाती है। एक्चुअल में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड नहीं बन पाती है हमारी गेट कैलकुलेटर में, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से ही गेट कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करिए। चाहे आप क्लास में, कोचिंग सेंटर में आप बैठे हो, वहां पर आपको कोई फैकल्टी कोई क्वेश्चन दे, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ गेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, ठीक है। आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हो गेट कैलकुलेटर का, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। जब आप घर में बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तभी आप गेट कैलसी का यूज करिए। जब आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज देंगे, जिस भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज देंगे उसमें आपका ऑटोमेटिक गेट कैलसी होगा स्क्रीन पर, तो आप उसी का ही इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा गेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए स्टार्टिंग से, ताकि आपको गेट कैलकुलेटर भी आसान लगने लगे और गेट के एग्जाम में आपको कुछ नयापन ना लगे, ठीक है ना। हमें कोई भी ऐसी चीज गेट एग्जाम में नहीं रखनी है जो नई हो हमारे लिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन तो नए होंगे ही, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनसे हम पूरी तरीके से वाकिफ हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि गेट कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, ठीक है, 2 to 5 सिटिंग हैबिट नहीं है मेरे अंदर, 3 आवर्स तक मैं लगातार बैठ नहीं सकता, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके पास, ओके। यहां पर गेट कैलकुलेटर के साथ में एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, वो है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है ना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है गेट में कि आप 90% क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं और लास्ट में आप
आंसर गलत कर जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो लास्ट के जो दो तीन पॉइंट्स हैं, लाइक एक पॉइंट था टेस्ट सीरीज और एक पॉइंट है आपका गेट कैलकुलेटर, इनका यूज बहुत बड़ा है एक्चुअल में, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और जब आप गेट कैलकुलेटर का शुरू से इस्तेमाल करते हैं तब भी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, आप यूज करना सीख जाते हैं गेट कैलकुलेटर को। तो गेट के एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, फाइनल आंसर, ठीक है ना, स्टेप मार्किंग नहीं होगी यहां पर, फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सक्सेस मंत्रा जो है आपका, सक्सेस मंत्रा नंबर 8, वो है आपका पीक टाइम। ओके, ये पीक टाइम क्या है, ये पीक टाइम का डिस्कशन मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं, तो समझिएगा, पीक टाइम का मतलब होता है दिसंबर एंड जनवरी। ओके, ये दो महीने आपके लिए बहुत ही पीक टाइम है। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार वो ये गलती कर जाते हैं कि वो सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा डालते हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन उनके पास अवेलेबल है वो सारे के सारे सॉल्व कर डालते हैं, वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज बहुत पहले दे डालते हैं, और वो दिसंबर जनवरी में रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझसे सब कुछ बन रहा है, अब मेरे मार्क्स भी टेस्ट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो दिसंबर जनवरी में वो सिर्फ अपने नोट्स का रिविजन करते हैं और ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस चीज पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप पूरे साल पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिसंबर जनवरी आपके लिए पीक है। दिसंबर जनवरी में आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नो डाउट नोट्स के रिविजन भी आपको करने हैं, ठीक है, आप दिसंबर में तो आप फुल नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जनवरी में आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने चाहिए। ओके, बट क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर एंड जनवरी में, तो इस पीक टाइम को आप कभी मत मिस करिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ जो नेक्स्ट सक्सेस मंत्रा है आपके लिए, वो है आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। ये क्या है प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की मीनिंग ये है, सपोज करिए आप किसी कोचिंग सेंटर में हैं, भले ही आपको सब कुछ आता हो, लेकिन आप फैकल्टी से हमेशा गाइडेंस लेते रहिए, फैकल्टी से हमेशा टच में रहिए, वो आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने गेट में पहले अच्छा रैंक लाया हुआ है, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। नो डाउट लास्ट में आपको अपने अकॉर्डिंग ही चीजें करनी है, लेकिन आपको अच्छी एडवाइस हमेशा फॉलो करनी है जो आपको फैकल्टीज देते हैं। ओके, और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग भी अपने सीनियर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, जिन्होंने गेट में लास्ट ईयर अच्छा रैंक लाया है, जिन्होंने गेट 2018-17 में बहुत अच्छा रैंक लाया हुआ है, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ओके, और जिन लोग वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं वो वाया मेल फैकल्टी के टच में रह सकते हैं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कि सर हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, या हम लोगों ने इतनी टेस्ट दे दिए हैं, इतने टेस्ट हमें और देने चाहिए, ये सारी चीजें आप फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत फैकल्टी से पूछने में, आप तुरंत ही फैकल्टी से डाउट क्लियर करिए। मेन एम ये है कि आपको फैकल्टी के साथ विथ रिस्पेक्ट आपको फ्रेंडली रहना है। ओके, फैकल्टी के आपको पूरी रिस्पेक्ट रखनी है, लेकिन आपको फैकल्टी से हिचकिचाना नहीं है, आपको फैकल्टी से सारी गाइडेंस, सारे डाउट, सब कुछ आपको फैकल्टी के थ्रू ही मिलने वाले हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, फैकल्टी या आपके सीनियर्स की इंपॉर्टेंस। ओके, चाहे आप वीडियो लेक्चर ले रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और चाहे आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, फैकल्टी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सक्सेस मंत्रा है आपका, ओके, वो है आपका ये जान लेना कि जो 2019 में जो गेट का पेपर आने वाला है वो किस आईआईटी से आने वाला है, वो आने वाला है आपका आईआईटी मद्रास। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके लिए, ओके, क्योंकि हर साल गेट के पेपर का पैटर्न अलग होता है, ठीक है, मींस लेवल ऑफ क्वेश्चन कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी लेवल आपका बहुत कम हो जाता है, ठीक है, कभी कभी 100 में 95 मार्क्स में भी टॉप रैंक नहीं आ पाता, कभी कभी 70 मार्क्स में भी टॉप रैंक आ जाता है, लेकिन फिर भी लीस्ट इंपॉर्टेंट ही सही, ये पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं
जैसे कि लास्ट 2011 में, ओके, इन 2011 आईआईटी मद्रास का पेपर आया था आपका गेट में, ओके तो वहां पर जैसे मैं एक ब्रांच का एग्जांपल ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें आप अगर इस साल फॉलो करेंगे 2018 में, तो आपके जो मार्क्स है वो बहुत लेस गए हैं, ठीक है ना। एक अगर आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूं तो 55 मार्क्स के अराउंड आपका 200 रैंक आया है, उससे आप समझ लीजिए 200 रैंक बहुत अच्छा रैंक है और वो 55 मार्क्स में आ गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं उस ब्रांच का आपको एग्जाम्पल दूं तो 2011 में जब लास्ट टाइम आईआईटी मद्रास ने पेपर बनाया था तो 92 मार्क्स के आसपास आपके फर्स्ट रैंक के गए थे, ओके, पेपर आपका बहुत इजी आया था, ओके। तो एक बार आप आइडिया ले सकते हैं, आप जिस भी ब्रांच के हो, एक बार आप 2011 का पेपर फॉलो कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपके ज्यादा क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आए थे, एक रफ आइडिया लग सकता है। नो डाउट जब भी आप गेट का एग्जाम दें, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि आप कोई भी चीज स्किप करके मत जाइएगा, उससे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। ये मत समझिएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पढ़ लेता हूं, इसे मैं लीव कर देता हूं, ये सब चीजें आप गेट में बिल्कुल फॉलो मत करिएगा। जितने भी कंसेप्ट हैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी करने हैं, क्योंकि आपका एम या हमारा एम गेट में क्वालिफाई करना नहीं है, हमारा एम है गेट के थ्रू एक अच्छी पीएसयू अचीव करना, या तो फिर गेट के थ्रू एक अच्छे टॉप के आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईएससी बेंगलोर, इनमें हमें एक बहुत ही अच्छी ब्रांच में एक सीट रिजर्व करनी है एमटेक के लिए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है या? तो इसके लिए आपको पूरी की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप एक बार पेपर को फॉलो कर सकते हैं 2011 का, ओके। तो ये हमारे 10 सक्सेस मंत्रास हैं फॉर गेट 2019। एक बार मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने से ही आप सक्सेस होने की रेस में, ठीक है, शामिल हो पाएंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करिए, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, प्रॉपर शेड्यूलिंग करिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेट 2019 में सक्सेसफुल होने के लिए, ओके। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो फॉर गेट 2019, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ओके। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू गेट और पीएसयू, ओके, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, ओके। नाउ एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट 2019, ओके। आई होप आप जरूर ही गेट 2019 में अच्छे मार्क्स अचीव करें, ओके। थैंक यू।